गांव में स्कूल नहीं है, मैं स्वयं पढ़ती हूँ। उधर भी स्कूल दूर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हुमैरा बानो। खरी खरी बातों में आप सब लोगों को मेरी और मेरी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। आज मैं तहसील लोरा के गांव मड़ियाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम काफ़ी मसले हैं जिनको हम उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर एक जानब देखा जाए तो जदीद दौर के इस टेक्नोलॉजी को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इस वक्त जो दुनिया है वो चाँद तक पहुँच गई है। जो दिनों के काम थे वो मिनटों में आगे हैं। लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर हर चीज़ आपको हस्ता हाली में नज़र आएगी। जैसे कि आप एक रोड को ले लें तो यहाँ की जो रोड है वो रोड टूट फूट का शिकार है और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है गाड़ियों में पैदल आते हुए, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं रोड के जो रोड टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा अगर दूसरी बात मैं आपसे करती चलूँ तो वो स्कूल का मेन मसला है। यहाँ पर स्कूल नहीं है जिसकी वजह से बच्चों की जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। और यहाँ पर जो तीसरा मसला है वो पानी का है। यहाँ पर पानी का भी बहुत ज़्यादा मसाइल है। पानी यहाँ पर नहीं है जिसकी वजह से दूर दूर से औरतें मुश्किलात का सामना करते हुए अपने पानी को लेने के लिए काफ़ी दूर जाती हैं और वहाँ से पानी भर के फिर घर में आती हैं। इसके साथ यहाँ पर जो सेहत की अगर बात की जाए तो सेहत के हवाले से भी यहाँ पे कोई भी इकदाम नहीं है। यहाँ पे लोग सेहत से भी महरूम है। अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो अपने बच्चों को या ख़ुद जाके कोई दवाई वगैरह ले सकें या उनका कोई इलाज हो सके। तो आज हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर इन मसाइल को उठाने के लिए यहाँ पर आएँ। वहाँ आकर हमें एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पर एक मास्टर साहब जिनका नाम रियाजत अली है, एक उस्ताद के तौर पर काम करते रहे, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उनकी सरपरस्ती में बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की और आज वो बच्चे जो हैं वो अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, उनको दुआएं भी देते हैं। लेकिन उसके बाद जब मास्टर साहब रिटायर हुए तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि अब वो उनके जैसे कि उनके इलाके में इतनी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इतनी ज़्यादा तलीम याफ्ता लोग नहीं, उनको इतनी समझ नहीं है, तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि मैं इस जो इलाके के जितने भी मसाइल हैं मैं उनको उठाऊंगा, आला हुकाम तक पहुंचाऊंगा। लेकिन उसके साथ मेरे साथ जो नौजवान हैं वो और जितना भी लोग मेरा साथ देना चाहते हैं वो मेरा साथ देंगे, तो इंशाल्लाह मैं इन तमाम मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाऊंगा। तो मज़ीद अब उनसे जानते हैं और चलते हैं गाँव की तरफ और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और आपको भी बताते हैं कि उनकी क्या राय है। जी हम गांव से होते हुए यहां तक आए और यहां पे हमारे साथ हैं इस वक्त पीर सफदर गिलानी साहब। तो अब हम उनसे जानते हैं कि यहां के क्या मसले मसाइल हैं, तो बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो साड़ा बड़ा खुशी ना देना जी, असाने इलाका बहुत बड़ा पसमांदा इलाका है, इतना कोई भी किसा किस्म ना इधर तक सारा तरक्याती काम किसा किस्म ना लिया, असा लोग हर किस्म की बुनियादी सहूलत महरूम हैं जी। उस्ताद है जी मास्टर रियाजत अली साहब जी, ये पहले असंकी पढ़ाने रे बेशुमार इस इलाके जी, उन्होंने शिगिरदे जी बड़े लोग उन्होंने मुहब्बत भी करने और हर किस्म ना मतलब है धावन भी तैयार है। तो असं मतलब जल्द रिटायर हुए तो उस तो बाद मल्ले लिया बेई उन्होंने रिक्वेस्ट की, चलो यार साड़ी खिदमत भी करो, खिदमत के नाम मौका भी दे, उन्हें खिदमत का मौका दिता जी। इंशाल्लाह जितने तक हुई सकया वो साढ़े बुनियादी काम भी हाल कर सौन। असं कि जल्द डिप्टी साहब गए जी, ये सबका डिप्टी साहब है मौजूदा है, मैंने है इस इलाके एक बड़ी पहचान रखने, बहुत बड़ा सियासी उन्होंने कैरियर है। तो असानी मुड़ियादी जरूरत जी रोड नहीं है जी, चनाली तू मड़ियाल तक लिंक रोड या चनाली तू खुई असं मिलाई दें, तो बड़ी उन्होंने नवाजों से जी शुक्रिया। अस्सलाम जी। आपको इन्होंने रोड के बारे में बताया तो मैं खुद इस रोड से गुजर के हम लोग जब यहाँ पर आए और आप ये देख सकते हैं कि पीछे से जो बाइक जा रहा है ये बहुत ही मुश्किल से जा रहा है, और जब हमारी गाड़ी यहाँ पर आई तो हम लोग भी बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर ज़िंदगी की बाजियाँ लगाने वाली बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरात हैं, यहाँ पर पत्थर रस्ते में इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं तो कभी भी किसी भी टाइम खुदा ना हादसा कोई भी हादसा हो सकता है। तो आपने इनकी बात भी जान दी, अभी आप मज़ीद आगे चलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि बाकी यहाँ पर और क्या मसाइल। जी अब हमारे साथ कैप्टन रिटायर लियाकत अली साहब मौजूद हैं, तो आप हम इनसे भी जानते हैं कि ये इन मसाइल पे क्या कहते हैं और जानते हैं इन्हीं की ज़ुबान। वालेकुम सलाम। हमारा गांव जो बुनियादी तौर पर जितनी भी बुनियादी सहूलतें हैं उनसे बहुत महरूम है, जिसमें हेल्थ का
मसला है, डिस्पेंसरी नहीं है, अस्पताल नहीं है, हमें यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर चल कर जाना पड़ता है। और इसके अलावा प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल उसकी भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे जो छोटी उम्र में होते हैं प्राइमरी तालीम के लिए वो दूर दूर चल कर जाते हैं। यहाँ पर एक स्कूल और एक डिस्पेंसरी की हमारी अज़ाद रिक्वायरमेंट है और अच्छा ज़रूरत है। मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर स्कूल और डिस्पेंसरी हमें दी जाए, ताकि हमारे जो बच्चे छोटे बच्चे जो यहाँ से दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकते हैं, वो कम अज़ कम जो है वो यहाँ पर तालीम हासिल कर सकें, और हमारे वो लोग मरीज़ जो यहाँ पर बीमार होते हैं उनको हम दूर दराज अस्पतालों में लेकर जाकर इलाज कराते हैं, वो कम अज़ कम यहाँ पर इलाज करवा सकें। फ़र्स्ट एड या तिबी इमदाद जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, उसके लिए डिस्पेंसरी का होना यहाँ पर अच्छा ज़रूरी है। तो इसके अलावा पानी के भी मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, हमारी सड़क जो है वो भी नहीं है, सड़क ना होने की वजह से हमें भी काफ़ी दुश्वारियाँ हैं। तो इस लिहाज से हमारा ये है कि चनाली से मड़ियाल तक जो है सड़क इसको पक्का किया जाए, ताकि हमारी आमदोरफ़्त सड़क के ज़रिए से जो है ना आसान हो सके। जो कुछ इससे पहले बिजली का मसला था या सड़क का मसला था लोरा टू चनाली तक, वो माशाल्लाह सड़क पक्की होने से हमें काफ़ी अफादियत हुई है, लेकिन चनाली से मड़ियाल तक जो सड़क है ये कच्चा होने की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम है, तकलीफ होती है। तो हमारी ये आपसे गुजारिश है कि ये जो है यहाँ पर सड़क को पक्का किया जाए और डिस्पेंसरी दी जाए। पानी के मसाइल भी हैं, हमारे सराउंडिंग एरिया में जितने लोग हैं उनके पास पानी की भी तकलीफ़ है। पठानी का पानी जो है वो नहीं है, उन लोगों को जिस वक्त पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर से पानी जो है लेंग करके ले जाते हैं। तो वहाँ पर पानी दिया जाए, बोरिंग कराई जाए या कोई और उसका सोर्स लिए जाए। तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ज़िंदगी के लिए इंसान के साथ, वो इनकी हर वक्त हमा वक्त जो है ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि इन चीज़ों पर नज़रसानी की जाए और हमें इन चीज़ों से जो है इस्तेफादा किया जाए, दी जाए, ताकि हमारे जो है ना बुनियादी मसले हल हो सके। हमें ये बताएं कि यहाँ पर जो टीचर थे रिटायर, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, रियाजत अली साहब, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? अब जो कदम उन्होंने उठाया है वो आवाम की सहूलत के लिए उठाया है, और जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें यहाँ की इस इलाके की हैं उनके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है, और ये कदम इंतहाई नागजीर था, क्योंकि इसके बगैर अभी हमारे लोग जो हैं यहाँ पर जो आबादी है हमारे सराउंडिंग एरिए में मड़ियाल और दाएँ बाएँ ये कमोबेश 50-60 घर हैं। ये 50-60 घर के जो बच्चे हैं यहाँ पर, अगर कोई बीमार हो जाता है उन बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, और अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए हमें कम अज़ कम 8-10 किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है। इसके अलावा जो है पानी के मसाइल हैं, पानी भी जो है ना बाद जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी नहीं है, उन लोगों को भी काफ़ी जो है दुश्वारी है। इससे हटकर जो है जो इन्होंने कदम उठाया है वो सिर्फ इस इलाके की बेहतरी के लिए उठाया है, और हम ये इनके इस एग्ज़ाम को सराहते हैं, और इनकी जो है ना हम इनकी जो है ना इनके साथ जो है ना पोस्ट पढ़ाई करते हैं इनकी, और इनके साथ हमारा तावन है, इंशाल्लाह हम इनको अपने इस मामले में जो इन्होंने कदम उठाया है इसमें इनको जो है ना कोशिश करेंगे कि ये इनको जो है कामयाबी हो, और उसके बाद ये इलाके के अवाम के मसाइल के लिए काम कर सकें। इनके काम जो होंगे वो हमारे लिए बहुत पेशरफ्त हैं। अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि सड़क नहीं है, पानी का मसला है, डिस्पेंसरी नहीं है हमारे पास, स्कूल नहीं है यहाँ पर, तो ये बुनियादी ज़िंदगी की चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो हम उस माशरे आज के जदीद दौर में हम उस माशरे के बारे में सोच नहीं सकते हैं, लेकिन आज जब कि दुनिया जो है उसके लिए बहुत बड़े बड़े जो है ना वो हो रहे हैं, अचीवमेंट हो रही है, लेकिन अगर यहाँ ये वो जगह है कि ये पसमानदा इलाकों में शुमार है ये जगह जो है, तो अगर ये चीज़ें बुनियादी ज़रूरतें हैं अगर उनके लिए ये कोशिश कर रहे हैं या इन्होंने कदम उठाया है, तो हम इसके लिए इनकी बहुत अप्रिशिएट करते हैं इनको कि इन्होंने ये अच्छा कदम उठाया है, और इंशाल्लाह इनके साथ हमारा तआवुन होगा और कोशिश करेंगे कि ये कामयाब हो, और बुनियादी तौर पर जो ये चीज़ें हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की इनमें हम लोग भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, मुजाहिद नाम है मेरा, मैं अपना बात की इस यूसी से बिलोंग करता हूँ, और यूसी कुइयां से मड़ियाल से ताल्लुक़ है मेरा।
यहाँ पे जो है ना रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें भी लाना बहुत मुश्किल बन चुका है, क्योंकि रोड की कंडीशन ऐसी है, ऐसे हालात बन जाते हैं बर्फबारी के सीज़न में, खुद कंधों पे उठा के जीप भी यहाँ पे बहुत मुश्किल आती है। तो दूसरी बात यह है कि पानी का भी यहाँ पे मसला है, पहले भी बताया गया है कि आप बगौर जायज़ा ले सकते हैं। और दूसरी बात यह कि फ़र्स्ट एड की भी सहूलत यहाँ पर मुयसर नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ इंतजामिया से कि अगर काइंडली आप ये मेहरबानी करें कि यहाँ पे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोड की जो कंडीशन है बहुत बुरी है, रोड की पुख्ती की जाए, और नेक्स्ट जो पानी की जो बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे, और पहाड़ी इलाका भी है तो दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, तो पानी के मसले को भी हल किया जाए और हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद सईद है चौधरी, मड़ियाल से मेरा ताल्लुक है। हमारे इलाके में बैरूनी यानी कि आम तौर के लिए बहुत मसले मसाले हैं, रोड पानी और बिजली हमारी आई हुई है पहले की, लेकिन रोड का सबसे बड़ा मसला है। और मेहरबानी फरमा के हमारे रोड को दुरुस्त किया जाए और पानी जो हमारे इलाका है नीचे है पठानी का, उसमें पानी दिया जाए। ये आपकी बहुत बड़ी नवाजिश होगी और हम यही कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इलाका जो है पसमानदगी में मशहूर है, क्योंकि हम सबसे पीछे हैं। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, हमने आपको पूरे इलाके का विज़िट भी करवाया है, लोगों से भी मिलवाया है, लोगों ने क्या कहा है वो भी आपको बताया है। लेकिन अभी हम मास्टर रियाजत साहब के साथ खड़े हैं और यहाँ पर हम उनसे भी पूछ जानेंगे कि उनकी क्या राय है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि जो टीचर होता है माँ बाप के बाद एक उस्ताद होता है, जो माँ बाप का रुतबा रखता है, जो तालीम के हवाले से जो है अपने स्टूडेंट की एक अच्छी रहनुमाई करता है और उसे किसी मकाम तक पहुंचाता है, ऐसे टीचर भी आजकल बहुत कम होते हैं जो ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बात पे इनसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस उम्र में माशाल्लाह ये भी हैं और अभी इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम, मतलब उस्तादी का वो काम उन्होंने किया है, उसके बाद ये रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो घरों में सुकून करने की कोशिश करते हैं कि अब हम रिटायर हो चुके हैं, हमने घर में आराम करना है और हमने कुछ भी नहीं करना। लेकिन इनके हौसले को मैं सलाम करती हूँ कि इन्होंने उस चीज़ को नहीं सोचा, इन्होंने बल्कि आवाम के बारे में सोचा है, अपने इलाके के लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इनकी हिस्मत करूँ जो बाकी की मेरी ज़िंदगी रह गई है। तो अल्लाह पाक इनको इस चीज़ में कामयाब करे। लेकिन हम इनसे भी जानेंगे कि ये इतना मुश्किल सा काम है, किसी एक बंदे की ज़िम्मेदारी लेना भी बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने पूरे इलाके की ज़िम्मेदारी ली है। इन्होंने यहाँ के जो मसले मसाइल हैं उनको देख कर इन्होंने ये फ़ैसला किया कि इंशाल्लाह ये आला हुकाम तक इन मसलों को पहुँचा कर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने ये फैसला कैसे किया और क्या ये मुमकिन है कि ये इस फैसले पे अटल रह सकेंगे और ये काम इस सर अंजाम दे सकेंगे। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेहरबानी। बात असल में ये है ना जी कि कोई काम जो है मुश्किल नहीं होता है, यानी कि हर काम इंसान के लिए आसान है अगर उसमें वो कोशिश करता है, जितनी कोशिश करता है इतना उसको मतलब है उसका हौसला मिलता है। तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम मुश्किल नहीं है अल्लाह के हुक्म फजल करम से, क्यों कि मेरा जो है नहीं जिस काम में मैं अभी स्टैंड मैंने लिया है उसके लिए मैं मुखलस हूँ, आवाम के लिए भी मुखलस हूँ, आवाम के मसाइल के लिए भी मुखलस हूँ। और इंशाअल्लाह मैं मेरी ये आइंदा भी कोशिश यही रहेगी कि आवाम के मसाइल का मैं तरजीह बुनियाद पर अकाम बाला से जाकर मतालबा कर सकूँ, बशर्ते कि खुदा वंद ताला ने अगर मेरी नियत तो उसके पास मौजूद है, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने मुझ पर यह इनाम किया तो मैं इंशाल्लाह फर्दन फर्दन घर जाकर अपनी आवाम का पता करूंगा और उनके मसाइल उनके दरवाज़ों पर मुझसे जो हो सका वो करूंगा। उसके अलावा हमारा देहाती इलाका है, इकबाद जाना, लोरा जाना, लोगों के गरीब लोग हैं, इनके बमुश्किल ये अपने अखराजात पूरे करते हैं, तो उनसे भी मैं इनको बचाऊंगा कि किराया और ख़र्चा पर्चा जो कुछ भी इसको चाहिए होगा, लोरा तक अगर काम होगा, इकबाद तक होगा, तो इंशाल्लाह मैं पूरी पूरी मामला तो उनके साथ करूंगा, उनका ख़र्चा नहीं होने दूंगा। क्यों कि ये गरीब लोगों की जो मैंने आवाज़ें सुनी हैं और मैंने देखी हैं पहले, चूँकि मैं महकमा तालीम से वाबस्ता रहा हूँ, एक टीचर की हैसियत से मैंने 38 साल नौकरी की है, तो उस हवाले से मैं देखा करता था कि ये हमारे लीडर साहिबान जो हैं, ये लोकल लोग जो हैं, ये हमारे काम क्यों नहीं करते। उसके अलावा उन्होंने भी ये समझ रखा था कि भाई ये लोग जो हैं ऐसे, इनमें कोई आदमी ऐसा नहीं है
जो कि स्टैंड ले सके या अपने हकूक की खातर जंग कर सके। तो अब मैं इंशाल्लाह आया हूँ, मैं गरीब की आवाज़ को आगे अकाम बाला तक पहुँचाने के लिए भी आया हूँ, और कोशिश भी मेरी यही रहेगी कि अकाम बाला तक तब पहुँचूँगा जब ये लोग मुझे अपनी इस कामयाबी कामयाब कराएंगे अपने इस मिशन में। तो अल्लाह से मेरी इस्तदा है कि वो मुझे इस ये इनाम जो है ये भी मुझ पर करें, ताकि मैं गरीब लोगों की और इलाके की पसमानगी का हल कर सकूँ, एक ज़रिया एक वास्ता मुझे अल्लाह ताला बनाए। ये इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी अल्लाह की ज़ात है। मैं अपनी बढ़ाई के लिए या इस किस्म का मसला करने के लिए कोई बात मैंने सोची भी नहीं है जी। मैंने आपको गांव का विज़िट करवाया है, माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये गांव, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हिर्स रखने वाले हैं, बहुत काम लोग हैं जो अभी इस वक्त में एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी टीम भी इससे बहुत खुश हुई, और हम लोग यहाँ पे आए हमें बहुत अच्छा लगा है। और यकीन उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को भी यहाँ का विज़िट बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करती चलूँ आप लोगों के साथ, को जो आपने मास्टर रियाजत साहब की जो बात आपने सुनी है माशाल्लाह से, उनका जो हौसला देकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो अगर इसी तरह, ये तो एक गरीब इलाके से एक गरीब तबके से अब तलक रखते हैं, लेकिन फिर भी इनकी सोच देखेंगे बहुत बुलंद है और इनकी तवक्को सारी अल्लाह पर है। तो अगर इसी तरह हर इलाके में अगर इसी तरह से एक इंसान अगर इस तरह का एक फैसला ले ले, तो हो सकता है कि पूरे इलाके की रहनुमाई हो जाए और लोग कई लोगों का भला भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें आके बहुत अच्छा लगा है, इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है, और ऐसे लोगों से मिलना जुलना हमारी एक माशाल्लाह से बहुत ही हौसला रखने वाले लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं और अपनी ज़िंदगियों को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो अपनी फीडबैक दीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे और आपको फिर किसी अच्छी जगह पर लेके जाके विज़िट करवाएंगे। अल्लाह आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।